सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास है ज़ेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से 2.0 स्पीकर ज़ेब वॉरियर 2, जिसको हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये ज़ेब वॉरियर 2 स्पीकर 2 कैसा है, आप लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका साउंड कैसा आ रहा है, इसको आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप से चलाते हैं तो कैसा साउंड आ रहा है और आप लोग इसको स्मार्टफोन के थ्रू कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग को इस स्पीकर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए और कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जो देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। चलो 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 चालू करते हैं। तो ये देख सकते हैं ज़ेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से 2.0 स्पीकर ज़ेब वॉरियर 2 आ गया है। ये ज़ेब वॉरियर 2 है, इससे पहले मैं ज़ेब वॉरियर 1 का भी अनबॉक्सिंग बनाया हूँ, उसको यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो आई बटन में देख सकते हैं। ये आप लोग सामने से कुछ इस टाइप वाले को मिल जा रहा है और नीचे में आप लोग को हाईलाइटेड फीचर्स दिया गया, जैसे RGB LED लाइट है, वॉल्यूम कंट्रोल है, USB पावर्ड है और ऑक्स केबल है। यहाँ पे आप लोग सारा स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है जिसको आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेट वेट दे दिया गया है 450 ग्राम, तो सारा स्पेसिफिकेशन मिल जा रहा है, आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल्स दे दिया गया है। आप लोग को MRP लिखा गया है 1399 रुपीज़ और कंट्री ऑफ ऑरिजिन है PR चाइना, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये प्रोडक्ट हो मेड इन चाइना है, बस इसी टाइप का आप लोग लुक मिल जाएगा। जल्दी से हम लोग इसको कट करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कट किए हैं और ये हम लोग दो स्पीकर आ गया है और इसके ऊपर प्लास्टिक कवर दिया गया है जिसको हम लोग जल्दी से हटा लेते हैं। तो कवर टो को हटा लेते हैं और ये हम लोग स्पीकर आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़ेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग दे दिया गया है और यहाँ पे LED लाइट तो जलेगा और यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम कंट्रोल दे दिया गया और कुछ प्लग दे दिया गया है। इस स्पीकर का आप लोग क्लोजर लुक देख सकते हैं तो डिजाइन वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ज़ेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग दे दिया गया और पीछे में आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का दिया गया है, यहाँ से वायर निकल रहा है और कुछ इस टाइप का आप लोग को पीछे में लुक दे दिया गया है। और ये भी स्पीकर का आप लोग देख सकते हैं पीछे में कुछ इस टाइप का आप लोग दिया गया है। ये आप लोग को वॉल्यूम कंट्रोल मिल जा रहा है, यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहते हैं, अप एंड डाउन करना चाहते हैं वॉल्यूम को, तो आप लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम कंट्रोलर एक मिल जा रहा है और सामने की तरफ देखिएगा तो आप लोग 3.5 mm का जैक मिल रहा है और USB पॉइंट मिल रहा है। तो USB पॉइंट से आप लोग का पावर सप्लाई होगा और 3.5 mm जैक से म्यूजिक का सिग्नल जाएगा, यानी कि आप लोग को म्यूजिक प्ले होगा 3.5 mm जैक से। और आप लोग का जो डिज़ाइन है, लुक है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए हम लोग इसको चलाएंगे और देखते हैं हम लोग को म्यूजिक कैसा चल रहा है और साउंड वगैरह कैसा आ रहा है। तो हम लोग पहले लैपटॉप में लगाते हैं, यहाँ पे आप लोग USB पॉइंट लगा देना है और आप लोग को 3.5 mm का जैक भी लगा देना है। कुछ इस टाइप से आप लोग लगा दीजिएगा, उसके बाद आप लोग का ये स्पीकर हो म्यूजिक प्ले करने के लिए रेडी हो जाएगा। यदि इस स्पीकर को आप लोग अपने स्मार्टफोन के साथ प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग इसका जो USB पॉइंट है वो अपने पावर बैंक में लगा लीजिएगा ताकि इस स्पीकर में पावर सप्लाई आ जाए और आप लोग को 3.5 mm का जैक को अपने स्मार्टफोन में लगा लेना है। उसके बाद जो भी आप लोग स्मार्टफोन में म्यूजिक प्ले कीजिएगा वो इस स्पीकर में चलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर सैंपल देख लेते हैं। Tell them say we ready, clip them on the cut she load. She don't know say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Nah go take no time, got beg no pardon, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Bet you never know. We are like the globe.
तो ये आप लोगों को जो जेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से स्पीकर मिल जा रहा है, इसका देख सकते हैं लुक तो काफी अच्छा है, काफी कॉम्पैक्ट सा लुक बनाया गया है, ऊपर से RGB डिजाइन दिया गया जो कि काफी अच्छा लगता है। हालांकि आप लोग RGB को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। और ये प्लास्टिक का बॉडी है, ये वाला पूरा प्लास्टिक का बॉडी है, तो आप लोगों को ठीक ठाक डिजाइन मिल जा रहा है और आप लोगों को ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिल जा रहा है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में अच्छा है, मैं खराब नहीं बोलूंगा। साउंड क्वालिटी तो काफी अच्छा है, अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से साउंड क्वालिटी आप लोगों को काफी अच्छा मिल जा रहा है। और आप लोगों को इसके अंदर जो बीट सब मिल रहा है, यानी कि बेस सब जो मिल रहा है, वो काफी अच्छा मिल रहा है। इसका जो जेव वॉरियर्स 1 था उससे इसका बीट तो काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि जेव वॉरियर्स 2 में आप लोग को जेव वॉरियर्स 1 से साउंड या बीट सब इंप्रूव किया गया है। यदि आप लोग जेब्रोनिक्स का जेव वॉरियर्स 1 का अनबॉक्सिंग देखना है तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, वहां पे मैं जेव वॉरियर्स 1 का भी अनबॉक्सिंग बनाया हूं। और जेव वॉरियर्स 2 जो कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसका बीट तो 1 से ज्यादा बेहतर मुझे लगा है। इस स्पीकर को आप लोग अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं। बस आप लोग को पावर बैंक चाहिए और आप लोग को अपना 3.5 mm जैक तो अपने स्मार्टफोन में लगा देना है। तो आप लोग इसको लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन किसी में भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। प्लस ये लाइट वेटेड है, यानी कि सिर्फ 450 ग्राम का है। तो यदि आप लोग अपने स्मार्टफोन में यूज करना चाहते हैं और आउटडोर में यूज करना चाहते हैं तो आप लोग पावर बैंक को ले लीजिए और अपने स्मार्टफोन को ले लीजिए। और आप लोग लाइट वेटेड है तो आप लोग बाहर में पार्क वगैरह में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के यदि आप लोग कुछ गाना सुनना चाहते हैं तो इसमें आप लोग सुन सकते हैं। तो यानी कि आप लोग का ये स्पीकर तो पोर्टेबल स्पीकर भी हो जाएगा। बस आप लोग को अपना पावर बैंक ले लेना है और आप लोग अपना स्मार्टफोन से चला सकते हैं। इस स्पीकर का सारा चीज अच्छा है, लेकिन मुझे एक डिसएडवांटेज लगा दी, आप लोग लाउड म्यूजिक सुनते हैं, यानी कि यदि आप लोग कोई ऐसा म्यूजिक सुन रहे जो कि पार्टी सॉन्ग है या हेवी लाउड है और बहुत ज्यादा बीट है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग यदि 100% में डाल दीजिएगा वॉल्यूम तो स्पीकर थोड़ा आवाज करने लगता है, हल्का आवाज फटने लगता है, तो एकदम अच्छा साउंड नहीं आता है, स्वीट साउंड तो नहीं आता है। तो यदि आप लोग लाउड म्यूजिक वगैरह या फिर आप लोग बीट वाला म्यूजिक सुनते हैं तो आप लोग 80% वॉल्यूम में सुनना पड़ेगा। यदि आप लोग कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, रोमांटिक म्यूजिक सुनते हैं तो आप लोग 100% वॉल्यूम में चला सकते हैं। तो मैं ये दिखाऊँ कुछ कुछ पार्टी सॉन्ग में जो कि ज़्यादा लाउड है, ज़्यादा बीट वाला है, उसमें स्पीकर का आवाज तो थोड़ा फटने लगता है, बहुत ज्यादा स्मूथ साउंड तो नहीं आता है। तो आप लोग 80% 75% वॉल्यूम में सुनिएगा तो आप लोग काफी स्वीट साउंड आते हैं। ये थोड़ा मुझे स्पीकर का डिसएडवांटेज लगा, अदरवाइज सारा चीज अच्छा है। आप लोग इसको परचेस करना है तो इसका दाम है 699 rupees, तो आप लोग इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये स्पीकर अच्छा है। आप लोग यदि सस्ता वाला कोई स्पीकर चाहिए तो आप लोग इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। आप लोग इसको लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन कहीं पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं, तो आप लोग के लिए अच्छा डील हो जाएगा। तो बेस्ट बाय लिंक हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल भी कर दीजिए ताकि साउंड से मिले जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफी है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर एपिसोड में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके। तब तक के लिए याद रखिएगा, देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक के लिए गुड बाय।